अगर आपको लगता है कि कीवर्ड रिसर्च सिर्फ एक गेसिंग गेम है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। Amazon पर सक्सेस का एक बड़ा सीक्रेट है सही कीवर्ड्स का यूज करना। कीवर्ड सिर्फ सर्च इंजन में रैंक करने के लिए ही नहीं होते, बल्कि ये बताते हैं कस्टमर्स क्या ढूंढ रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। और इसीलिए आज हम बात करेंगे Amazon ब्रांड एनालिटिक्स सर्च टर्म्स के बारे में, जिनको शॉर्ट में ABA सर्च टर्म भी बोलते हैं। और दिखाऊंगा एक टूल जिसका यूज करके आप ये ABA सर्च टर्म्स निकाल सकते हैं और अपने बिजनेस को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। सबसे पहले समझिए Amazon ब्रांड एनालिटिक्स सर्च टर्म्स होते क्या हैं। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो कस्टमर्स यूज करते हैं आपके प्रोडक्ट्स या कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए। तो आज जिस टूल का हम यूज करेंगे इन ABA सर्च टर्म्स को ढूंढने के लिए, उसका नाम है SellerSprite। तो SellerSprite करता क्या है? ये टूल Amazon ब्रांड एनालिटिक्स का डेटा यूज करता है जो डायरेक्टली Amazon से आता है, मतलब सबसे रिलायबल और ट्रस्टवर्थी इनसाइट। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप पर और दिखाता हूं आपको SellerSprite ABA टर्म्स का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको अपने SellerSprite के डैशबोर्ड में आ जाना है और उसके बाद जब आप टूल सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा ABA सर्च टर्म, इस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ABA सर्च टर्म वाला जो फीचर है वो एक्टिवेट हो चुका है, जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्रोसेस दिखाने से पहले मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स हैं, उनको कैसे कैसे यूज करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे मार्केट प्लेस है, तो यहाँ पे अभी हमने इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप किसी और मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं, लेट्स सपोज यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, यूके, एनी मार्केट प्लेस, तो आप यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन से अपनी रेस्पेक्टिव मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इंडिया में अभी पूरा रिसर्च करेंगे तो हम इंडिया को यहाँ पे सिलेक्टेड रखते हैं। इसके अलावा जो आप डेटा है वो यहाँ पे आप वीकली या मंथली सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस स्टडी के लिए, इस रिसर्च के लिए हम मंथली यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं जब हम मंथ वाइज सिलेक्ट करते हैं तो पिछले जितने भी मंथ्स हैं वो यहाँ पे डेटा दिखा देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वीकली सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे वीक वाइज डेटा आ रहा है। तो आप चाहें तो वीक वाइज या मंथली, जैसे भी आप चाहते हैं वैसे डेटा यहाँ पे दिखा देगा। सो फॉर द रिसर्च पर्पज हम मंथली यूज करेंगे और हम एक काम करते हैं फरवरी 2025 का डेटा यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब ये जो यहाँ पे फील्ड दी हुई है सर्च फील्ड, यहाँ पे आप इस पूरे एनालिसिस को तीन तरीके से कर सकते हैं। तीन चीजें हैं, तीन टाइप के इनपुट्स हैं जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। पहला होता है सीड कीवर्ड, जैसे कोई भी टर्म है जिसको मैं अभी दिखाऊंगा। दूसरा होता है एसिन, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रहा है और आप उसको वहां से उसके जो कीवर्ड्स हैं वो निकालना चाहते हैं तो उसका हम एसिन यूज करेंगे। एंड तीसरा है जो यहाँ पे कैटेगरीज ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई होती है इस टूल में, उसका यूज करके, ठीक है। तो मैं तीनों प्रोसेस आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहले प्रोसेस से शुरू करते हैं जिसमें हम सीड कीवर्ड का यूज करेंगे। तो लेट्स सपोज हमें वेजिटेबल चॉपर सेल करना है, ठीक है। हम सीड कीवर्ड डालेंगे वेजिटेबल, वेजिटेबल चॉपर को हमने सेलेक्ट किया और आप देखोगे यहाँ पे सेलेक्ट करते ही नीचे सारा डेटा इससे रिलेटेड आ चुका है। तो हम देखेंगे टोटल रिजल्ट 42 आ रहे हैं, बट इसके ऊपर आप देखोगे फिल्टर्स भी आ रहे हैं। तो आप तो ये वही फिल्टर्स हैं कैटेगरी वाइज, आप लेफ्ट सेक्शन में देखोगे कैटेगरीज आ रही है, जो तीसरा तरीका मैंने बताया था। तो पहले नहीं दिख रहा था, अब आ गया है कीवर्ड सर्च करते ही, क्योंकि आप इनके बेसिस पे भी फिल्टर कर सकते हैं डेटा। तो ये अभी है, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो लेट्स कंटिन्यू विद अवर सीड कीवर्ड एग्जांपल, ठीक है। तो पहला मेथड सीड कीवर्ड है जहां पे हमने वेजिटेबल चॉपर एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नीचे इस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी डेटा है, इस Amazon ब्रांड एनालिटिक्स सर्च टर्म से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो आ चुका है, ठीक है। तो आप देखोगे टोटल रिजल्ट जो हमारे पास आए हैं वो है 42, ठीक है। अब इस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जिसमें प्रीफिक्स, सफिक्स या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, जितने भी इससे रिलेटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सारे यहां पे आ चुके हैं। तो पहला जैसे हमें दिख रहा है वेजिटेबल चॉपर फॉर किचन, वेजिटेबल चॉपर हमारा सीड कीवर्ड था। उसके बाद वेजिटेबल फॉर किचन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक वेजिटेबल कटर चॉपर। तो इस तरीके से हमारे पास 42 रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें ये फिगर आउट करना है कि कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं और कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो एक्चुअली अभी कस्टमर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मंथली रैंक और हम सर्च ट्रेंड देख सकते हैं कैसे यहाँ पे ग्रो हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो वेजिटेबल चॉपर का अगर हम देखें तो यहाँ पे दिख रहा है ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। वहीं पे लेकिन वेजिटेबल चॉपर पर किचन की बात करें तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मंथली सर्चेस यहाँ पे दिख रही है, तो 73,000 प्लस सर्चेस हैं वेजिटेबल चॉपर फॉर किचन की, वेजिटेबल चॉपर की सिर्फ 7,000 प्लस सर्चेस हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं SF रैंकिंग है, जिसको सर्च फ्रिक्वेंसी रैंक भी कहते हैं। तो जिस पर्टिकुलर वीक को या मंथ को आपने सिलेक्ट किया है, ये उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन की रैंक आपको दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रैंक हिस्ट्री, लास्ट मंथ उसकी रैंक क्या थी, 4 मंथ्स अगो कितना,
था 12 मंथ्स अगो कितना था, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने लायक है वो है रैंक चेंज, ठीक है। रैंक चेंज में आप देख सकते हैं लास्ट मंथ इसकी जो रैंक है वो ड्रॉप हुई है 36, तो यहाँ पे रेड का मतलब ये है कि रैंक कम हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट मंथ जो रैंक चेंज है वो ड्रॉप हुआ 36% से। सिमिलरली उसके बाद हम देखेंगे रैंक ग्रोथ भी दिखा रहा है, ठीक है। इंप्रेशन हमारे कितने हो रहे हैं, क्लिक्स कितने हो रहे हैं, वो यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है यहाँ पे। तो इंप्रेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 17.5 लाख है और जो क्लिक्स हैं वो 30,000 प्लस हैं। पीपीसी बिड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जिसमें मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज बिड यहाँ पे आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो हम रेंज देख सकते हैं इस पीपीसी बिड की, वो है ₹2.32 से लेकर ₹3.89। तो नेक्स्ट इज एसपीआर। एसपीआर का मतलब होता है सेलर स्प्राइट प्रोडक्ट रैंक। इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट 8 डेज में मुझे कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने हैं पहले पेज पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक होने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे को वेजिटेबल चॉपर फॉर किचन की पोजीशन अगर अचीव करनी है फर्स्ट पेज पे मेरे प्रोडक्ट को, तो मेरे को कम से कम 52 यूनिट्स सेल करने होंगे। नेक्स्ट इज टाइटल डेंसिटी। टाइटल डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें ये पर्टिकुलर कीवर्ड आ रहा है टाइटल में और जिसकी वजह से वो पेज वन पे रैंक हो रहे हैं। तो 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके टाइटल में वेजिटेबल चॉपर फॉर किचन आ रहा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पैरामीटर है वो है मोस्ट क्लिक 3 एसिन्स। तो कौन से ऐसे 3 एसिन्स है जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा क्लिक होते हैं इस कीवर्ड की वजह से, तो आप देख सकते हैं। तो पहला है गणेश 14-in-1 मल्टीपर्पज चॉपर। तो जैसे हम ओवर करते हैं तो यहाँ पे डिटेल आ जाती है उस प्रोडक्ट की पूरी, ठीक है। और आप देख सकते हैं एबीए रैंक इसकी मंथ ओवर मंथ दिख रही है। फरवरी में सेकंड थी, जनवरी में फर्स्ट थी, दिसंबर में फर्स्ट थी एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड प्रोडक्ट जो है वो है बटरफ्लाई प्रीमियम वेजिटेबल चॉपर। उसके भी रैंक्स और एबीए सिस्टम देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज पिजन पॉलीप्रोपाइलीन मिनी हैंडी कॉम्पैक्ट वेजिटेबल चॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं जो तीनों ब्रांड है, जो टॉप 3 ब्रांड है, मोस्ट क्लिक 3 ब्रांड्स है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, गणेश, पिजन एंड बटरफ्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी कीवर्ड एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, जिनको आप एक्चुअली अपनी लिस्टिंग्स में यूज करना पसंद करेंगे या आपको करने चाहिए, सो दैट आपकी जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ना सर्च ट्रेंड ग्राफ है, आप जैसे इस पे क्लिक करते हो ना तो आपको उस पर्टिकुलर कीवर्ड का ना पूरा ट्रेंड पता चल जाता है कि वो कीवर्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जो ऑरेंज कलर यहाँ पे हमें बार्स दिख रहे हैं वो सर्चेस हैं और जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो हमारी अमेजोन ब्रांड एनालिटिक्स रैंक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे परफॉर्म कर रहा है ये कीवर्ड। आप चाहो तो इसको वीकली या मंथली में भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि गूगल ट्रेंड्स में देखना चाहे तो गूगल ट्रेंड्स भी आप खोल के देख सकते हैं। क्लिक कंसंट्रेशन आप यहां से फिगर आउट कर सकते हैं। क्लिक कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि कितने लोग इस कीवर्ड पे क्लिक कर रहे हैं और जो ऑरेंज कलर की यहाँ पे लाइन दिख रही है वो है कन्वर्जन की, कितने लोग यहाँ से कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड पीपीसी बिड भी आपको यहाँ पे जो भी अप एंड डाउन मिनिमम मैक्सिमम हो रही है और सजेस्टेड बिड है वो इस चार्ट से आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अभी एक बार हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से ना एक बार वेजिटेबल चॉपर जो हमारा सीड कीवर्ड था उसका भी ट्रेंड देख लेते हैं। तो आप देख लोगे यहाँ पे मंथली पहले हमारी जो सर्चेस थी वो हाई थी लेकिन सर्चेस कम हो गई और हमारी एबीए रैंक भी यहाँ पे डाउन हो गई है, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स में देखें तो इसका ट्रेंड काफी ऊपर नीचे जा रहा है। जैसे हमने पहले देखा था वेजिटेबल चॉपर फॉर किचन, उसका बहुत ही कहीं कहीं पे स्पाइक था लेकिन यहाँ पे एक टाइप से काफी बेबी टाइप है। क्लिक कंसंट्रेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट पैरेलल ही चल रहे हैं, दोनों सिमिलर सही हैं, क्लिक कंसंट्रेशन और कन्वर्जन रेट। एंड पीपीसी बिड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे 3 डॉट पे होवर करने पे आपको कीवर्ड माइनिंग का ऑप्शन आ रहा है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आप सेलर स्प्राइट का एक और टूल ओपन कर लेते हो जिसका नाम है कीवर्ड माइनिंग। ये क्या करता है, ये उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल कीवर्ड हो सकते हैं वो सारे आपको एक साथ दे देता है, ठीक है। तो जैसे माइनिंग का मतलब होता है कि खदान, उसको हम खोदते हैं और सारा डेटा निकालते हैं, सेम चीज है यहाँ पे कीवर्ड्स की माइनिंग हो रही है, ठीक है। तो आप देखोगे लास्ट 30 डे में वेजिटेबल चॉपर से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सब नीचे आ चुके हैं। 1600 रिजल्ट्स हमारे सामने यहाँ पर डेटा आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको और टूल हेल्प करता है कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करने में, फिगर आउट करने में कि आपकी लिस्टिंग के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स क्या है। अगर आपको सेलर्सप्राइट कीवर्ड माइनिंग टूल का भी वॉक थ्रू चाहिए, उसको समझना है एंड टू एंड कैसे यूज करना है, तो मुझे कमेंट्स में प्लीज लिख के बता दें कीवर्ड माइनिंग और मैं इस पे भी एक वीडियो आपके लिए बना दूं। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ फिल्टर्स और मिल जाते हैं आपको। तो आप यहाँ ड्रॉपडाउन में देखोगे मंथली सर्चेस मिल गए, एसएफ रैंक्स मिल गए, इंप्रेशन, क्लिक, इस तरीके की चीजें आपको मिल गई हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मिल गया। तो इनको भी मैं अभी फिल्टर आउट करके दिखाता हूं आपको, वो मैं दिखाऊंगा आपको सेकंड मेथड में। तो आप चलते हैं सेकंड मेथड में जिसको हम एसिन का यूज करके यहाँ पे रिसर्च कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वेजिटेबल चॉपर जो हमारा सीड कीवर्ड था वो वाला जो फर्स्ट मेथड है वो यहाँ पे आप आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं।
पिजन का जो चॉपर है और इसका एसिन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एसिन को हम डालेंगे अपने, एसिन को हम एबीए सर्च टाइम में यहाँ पे कॉपी कर देंगे एंड सर्च बटन दबा देंगे। ठीक है, तो हमें इस पर्टिकुलर एसिन से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 121 रिजल्ट्स मिल चुके हैं और जितने भी कीवर्ड्स इस पर्टिकुलर एसिन में यूज हो रहे हैं वो सब हमारे सामने आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो 121 कीवर्ड्स हैं जो इस पर्टिकुलर एसिन में यूज हो रहे हैं। तो अभी हम मंथ ओवर मंथ डेटा देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा आ रहा है। इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और डीप डाउन करता हूँ, इसको वीकली कर लेते हैं सो दैट डेटा समझाने में आसान रहे। एंड इसको हम लास्ट वीक का डेटा ले लेते हैं एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो डेटा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा सो दैट समझाने में आसानी रहे। तो आप देख सकते हो रिजल्ट 98 आ चुके हैं, पहले ज्यादा थे एंड इसके बाद वो सारा डेटा सेम आया है, सेम फील्ड्स हैं जिनको मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। तो सिमिलर तरीके से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज और है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो ये कि यहाँ पे आप इन फिल्टर्स का मैंने बात करी थी जहाँ पे एसएफ रैंक और असेंडिंग है, यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे आप वीकली सर्चेस सेलेक्ट करेंगे एंड डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी आप देखोगे वीकली सर्चेस 20,000 प्लस है, 14,000 कुछ है, 6,000 कुछ है, इस तरीके से है, तो ऊपर नीचे कुछ हो रही है, लेकिन अभी हम डिसेंडिंग में सिलेक्ट करेंगे सो दैट हमें हाई टू लो सारी सर्चेस मिल जाए। ठीक है, तो चॉपर 20,000, 14,000, 6,000, 6,000, 4,000 प्लस, 1,300 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमें ना हाई टू लो जो वीकली सर्चेस हैं, जो वॉल्यूम्स हैं पर्टिकुलर कीवर्ड्स के, वो हमें मिल चुके हैं। तो इस तरीके से भी जो भी कीवर्ड आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है या रेलिवेंट है उनको यहां से लेके आप अपने लिस्टिंग्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरे तरीके में क्या है, यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं एंड इनके बेसिस पे आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में कैटेगरीज हैं, उनसे रिलेटेड फिल्टर्स राइट में है एंड इसके अलावा आप देखोगे ऊपर ना कुछ हमारे ऑलरेडी प्रीसेट्स बने हुए हैं, हाई डिमांड, ब्रेकआउट, ट्रेंडिंग, रैपिड ग्रोथ। तो ये कुछ पहले से ही यहाँ पे जो पैरामीटर है, जो वैल्यूज है, वो यहाँ पे फिल्टर्स में डली हुई है एंड उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं होम एंड किचन में, हमने होम एंड किचन कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया एंड हम चाहते हैं कि हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हाई डिमांड पे क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे रैंक चेंज आ गई है लास्ट वन वीक की। ठीक है, और 1,00,000 से ज्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू है सर्च रैंकिंग होनी चाहिए, तो उसको देखते हुए हमारे सामने 19,000 कुछ रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, होम एंड किचन कैटेगरी में बहुत वेरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो अगर आप फिगर आउट कर रहे हैं, कीवर्ड्स फिगर आउट कर रहे हैं या प्रोडक्ट फिगर आउट कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी जो सर्चेज है ना वो मिनिमम 30,000। ठीक है, इसको सर्च नाउ करके देखते हैं एक बार। तो आप देखोगे हमारे रिजल्ट सिर्फ 39 रह गए। ठीक है, लेकिन स्टिल आई वॉन्ट कि मेरा जो क्लिक कंसंट्रेशन है वो 30% से ज्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लिक कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, कौन कितने ब्रांड्स हैं जिन्होंने एक डोमिनेंस क्रिएट किया हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि 30% से ज्यादा डोमिनेंस हो मार्केट में, क्योंकि वहां पे कॉम्पीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा शॉर्ट कर, तो आप देखोगे 39 से 32 हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें देख सकते हैं। तो लेट सपोज अगर आप वाटर बॉटल बेच रहे हैं तो वाटर बॉटल 1 लीटर एक कीवर्ड आपको मिल गया है, जिसको आप यहाँ से कॉपी करके फिर से एबीए टर्म्स में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एक बार फिल्टर जरूर क्लीन कर दीजिएगा एंड इसके बाद आप सर्च कर, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि वॉटर बॉटल के 212 रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड वे कि जब आप कैटेगरी के थ्रू जाएंगे और अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने का सोच रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेलरस्प्राइट एबीए सर्च टर्म का जो पूरा टूल है हेल्प करेगा आपके रेलिवेंट एंड जो हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड्स हैं उनको ढूंढने में। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप एबीएस सर्च टर्म्स को अपनी लिस्टिंग्स में जरूर यूज करें। सेलरस्प्राइट टूल के काफी फीचर्स फ्री हैं जिन पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, और अगर आपको और भी अमेजिंग फीचर्स चाहिए तो आप पेड वर्जन ले सकते हैं। अभी सेलरस्प्राइट का स्पेशल ऑफर आया हुआ है जिसमें मंथली प्लान आपको सिर्फ $20 में एंड बेसिक ईयरली प्लान सिर्फ $199 में मिल जाएगा। अकाउंट बनाते वक्त AM199 कोड यूज करना ना भूलें। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो जल्दी से जल्दी अवेल करें। और कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।